हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंगेजमेंट मेकअप लुक। तो पहले मैंने इनका फेस जो है क्लीन कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे रोज़ टोनर लगा रही हूँ जो कि मेरा होममेड है, और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं इनके स्किन पे लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। तो इनकी एंगेजमेंट थी आज, तो मैंने इनका मेकअप किया था। सो यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लेकर मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड किया हुआ है, और उसके बाद मॉइस्चराइज़र के बाद मैं लूँगी प्राइमर, और उसके बाद इनके फेस पे प्राइमर अप्लाई करूँगी। तो अगर आप घर पे एंगेजमेंट मेकअप करना चाहते हैं तो ये वीडियो देख के आप अपना घर पे खुद से या फिर किसी और का एंगेजमेंट मेकअप कर सकते हैं। तो प्राइमर लगाने के पहले आप चाहें तो अगर आपके पास सीरम है तो आप सीरम भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिप बाम लगा दिया था इनके लिप पे ताकि इनके लिप जो हैं वो मॉइस्चराइज रहें। और अब देखिए मैं प्राइमर अब अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइज़र को अच्छे से ब्लेंड करने के एक दो मिनट उसको ऐसे छोड़ देंगे हम, फिर प्राइमर लगा के भी प्राइमर को भी एक दो मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। और तब तक जब तक प्राइमर सेट हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्लैक कलर का आई शेडो, और उसी से मैं इनकी आईब्रोज फिल करूँगी, क्योंकि इनकी आईब्रोज जो है बहुत ही ज़्यादा लाइट हैं और ये आईब्रो भी नहीं कराती हैं। तो मैंने इनकी आईब्रो फिल कर दी। फाउंडेशन, तो फाउंडेशन लेके मैं टैप टैप करके इनके पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, और मैंने प्राइमर पहले लगाया, तो प्राइमर लगाना ना भूले आप, क्योंकि प्राइमर आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा और आपके मेकअप को एक अच्छा सा बेस दे देता है। तो प्राइमर को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा फास्ट ना हो इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और देखिए यहाँ पे फाउंडेशन को मैंने गीडले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है, और आप भी ब्यूटी ब्लेंडर को पहले अच्छे से साफ़ करके उसका पानी निकाल लें, फिर फाउंडेशन को ब्लेंड करें। इससे फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और यहाँ पर मैंने लिया है कंसीलर, और कंसीलर जहाँ पे भी आई लिड का मेकअप करना है हमें तो वहाँ पे आई के पास हम लगाएंगे, और जहाँ पे भी फेस पे आपको थोड़ी सी अच्छी कवरेज चाहिए वहाँ पे भी आप कंसीलर लगा सकते हैं। और उसे भी वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर दे रही हूँ पूरा फाउंडेशन को और कंसीलर को। और उसके बाद अब हम आई मेकअप करेंगे। तो मैंने मरून शेड लेकर इनकी आईज़ पे अप्लाई कर दिया। इनकी आईज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तो मुझे समझ भी नहीं आता किस तरह से इनका आई मेकअप करूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरून शेड मैंने पूरे आईलिड पे अप्लाई किया, उसके बाद मैंने लिक्विड कंसीलर लगा दिया है, और उसके बाद मैं लूँगी डार्क ब्लू कलर। आप देख सकते हैं जैसा इनके इनका लहंगे का कलर है, तो डार्क ब्लू कलर मैं हाफ ऑफ द आईलिड पे अप्लाई करूँगी, और उसके बाद हाफ ऑफ द आईलिड पे मैं गोल्डन कलर अप्लाई कर दूँगी। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि किस तरह से आई मेकअप करूँ कि इनका आई मेकअप थोड़ा उभर के आए, तो इसके लिए मैंने इस तरह से करने की कोशिश की। और उसके बाद यहाँ पे पिंक कलर लेकर मैं इनकी लोअर लैसेस के पास लगा दूँगी, क्योंकि इनका जो दुपट्टा है वो पिंक कलर है, तो मुझे लगा कि गोल्डन एंड ब्लू एंड पिंक तीनों कलर आ जाएंगे, फिर भी इनकी आईज़ इतना उभर के आई मेकअप नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने जो है पिंक शेड लिया, और पिंक कलर लेकर मैंने इनकी जो गोल्डन एंड ब्लू कलर का आई शेडो लगाया था उसके बीच में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिंक कलर लगा दिया, ताकि थोड़ा सा अलग लुक आ जाए, और जैसा इनका दुपट्टा भी पिंक है तो मैचिंग भी हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ आई लाइनर, और आईलाइनर अप्लाई करने के बाद जो है हम काजल लेंगे और काजल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दूं कि आई मेकअप का थोड़ा उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि थोड़ा सा मोबाइल ऊपर करके रिकॉर्ड करना चाहते तभी आपको बराबर दिखता, तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो है अभी मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा आँखें और बड़ी दिखे इसके लिए मैं लोअर लैसेस के पास जहाँ पर काजल लगाते हैं उसके नीचे भी मैं आई लाइनर लगा रही हूँ ताकि इनकी आँखें बड़ी दिखे। और उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, तो बहुत ही लाइट शेड यानी पीच कलर का मैंने यहाँ पे ब्लश लिया था। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है लैक्मे का रोज़ पाउडर, और इससे मैं थोड़ा सा बेकिंग कर रही हूँ उनके फेस पे ताकि अच्छे से ग्लो आ जाए, और आईज़ के नीचे भी मैंने किया और यहाँ पर फेस के पास। तो इसको जो है मैं दो मिनट ऐसे लगा के छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं इसे सेट कर लूँगी। और यहाँ पर अब मैं जो है बेकिंग को सेट कर दे रही हूँ। सो आप आईज़ के नीचे और यस इस तरह से चीक पे और फॉरहेड पे बेकिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ इनको, मैं यहाँ पर गोल्डन शेड का इनको हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ली है लिपस्टिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप मेरे लुक पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं घर के काम कर रही थी तभी ये मतलब आ गए थे मेकअप कराने के लिए, तो मेरे पास भी टाइम नहीं था, इनको भी जल्दी थी, तो मैंने ऐसे ही रिकॉर्डिंग करके रख ली थी।
अब मैं लूँगी यहाँ पर सेटिंग स्प्रे, और फेस पे स्प्रे करने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसको सेट कर दूँगी। सेटिंग स्प्रे अगर आप लगाते हैं तो आपका मेकअप 3-4 घंटे तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपको स्वेटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मेकअप जैसी जिस तरह से बिल्कुल उसी तरह से सेट रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और अब मैं जो है इनको ज्वेलरी पहना देती हूँ और इनका हेयर स्टाइल करेंगे अब हम। सो फ्रेंड्स, ये मेरी फ्रेंड है, ये उनकी सिस्टर थी, तो इनकी एंगेजमेंट 2020 में नवंबर के महीने में थी, तभी से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, पर मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि उसके बाद मैं गाँव भी चली गई थी, तो आने के बाद मैं इस वीडियो के बारे में भूल गई थी, तो अभी मुझे कल याद आया, तो मैंने सोचा अब इसे एडिट करके आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो अब देखिए मैंने कुछ इनका इस तरह से सिंपल ही तरीके से हेयर स्टाइल बना रही हूँ, क्योंकि इनको भी जल्दी थी तो जल्दीबाजी में ही हमारा जो है हमने मेकअप किया था, तो इनके हेयर को भी मैंने स्ट्रेट किया था। तो मैंने यहाँ पे पूरी तरह से हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं की थी क्योंकि इन्होंने बोला था दीदी ज़्यादा हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं करो, टाइम नहीं है इतना। तो इस तरह से देखिए अब ये हमारी जो है एंगेजमेंट के लिए दुल्हन रेडी हो गई है। और अब मैं आपको इनका पास से मेकअप दिखा देती हूँ, आईज का मेकअप किस तरह से आया हुआ है, और उसके बाद आपको लग रहा होगा कि फेस ज़्यादा ही ग्लो कर रहा है, ज़्यादा ही चमक रहा है हाथों और बाकी मतलब बॉडी पार्ट्स के अलावा। तो मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन इनका आधे घंटे के बाद डीऑक्सीफाइड हो गया था, यानी हवा में फाउंडेशन उड़ जाता है, तो उसके बाद इनका मतलब इक्वली आ जाएगा पूरा मेकअप लुक। तो इसके लिए आप एक शेड लाइटर ही चूज़ करें अगर आपकी एंगेजमेंट या शादी या पार्टी हैवी पार्टी मेकअप लुक कर रहे हैं। आई मेकअप में एक साइड पिंक शेड थोड़ा सा कम दिख रहा था, तो मैंने बाद में उसे ठीक कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।